रोहित भैया, मुंबई और पुणे का मैच कल था, तो सिर्फ आईपीएल का फाइनल नहीं था, वो दोनों शहरों के बीच की भी लड़ाई बन गया था, क्योंकि दोनों, आप मुंबई में रहने वाले हो, आपको पता है दोनों सिटीज में किस तरह से कंपटीशन हमेशा चलता रहता है। तो आप सब प्लेयर्स के दिमाग में उसको लेके कुछ चल रहा था, या फिर वो सब जोक्स और सब सोशल मीडिया पे जो कुछ भी चल रहा है वो आप तक पहुंचा था? क्योंकि जैसे मिसल पाव वड़ा पाव, इनके बीच लड़ाई है इस तरह से भी ये सब हमको आप लोग से ही सुनने मिलता है। नहीं, पर आप की क्या सोच है? क्योंकि इस तरह से ये दोनों शहरों के बीच की जो क्रिकेट राइवलरी है, वो आईपीएल में आपने एक नई ऊंचाई तक दोनों टीम्स उसे लेके गए हैं। मुंबई और पुणे का मैच जब भी होता है लोगों में काफी एक्साइटमेंट होता है, स्पेशली महाराष्ट्र में, क्योंकि दोनों महाराष्ट्र की टीम है। और फाइनल के पहले तक हमारे हमारा कुछ अच्छा टाइम नहीं रहा था पुणे के साथ। हम 3 मैच खेले, तीनों मैच हार चुके थे। तो हम फाइनल में ये सोच के नहीं गए थे कि हमें कुछ प्रूव करना है, हमें बस अपना गेम खेलना था। जो हम पिछले 3 मैच जब जो हारे हम उनके साथ, वो कर नहीं पा रहे थे। तो कोशिश हमारी ये थी कि इस मैच में जब जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा गेम खेले और हमारे टीम के आसपास ध्यान रखे, यहाँ वहाँ नहीं वो करे। जब जब हमने बैटिंग खत्म की, 130 हमने स्कोर किया, एक्चुअली बैटिंग हमारा इतना अच्छा नहीं रहा। हम कोशिश कर रहे थे कि 150 140 के आसपास करें, क्योंकि विकेट इतना इजी नहीं था। बट हमारे बैट्समैन आउट हो गए। बट हमें पता था कि ये विकेट जिस तरीके से खेल रहा था वो उतना इजी नहीं होने वाला था उनके लिए। तो हमने चेंजिंग रूम में यही बात किया था कि अंदर जाकर हमको हमारा गेम खेलना है, जो हमारे बॉलर्स कर रहे हैं वो हमें करना है, और फील्डर्स को एक साथ मिलकर एफर्ट देना है बस। और जब भी मुंबई और पुणे का मैच होता है, एक्साइटमेंट महाराष्ट्र में तो काफ़ी ही होता है। और ये बात मुझे नहीं पता था, वड़ा पाव और ये मिसल पाव, ये अभी आपसे मुझे सुनने मिल रहा है।